हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी बेटी को नहला दिया है, तो ये नहाने के बाद बहुत ज़्यादा रोती हैं और दिन है आज गुरुवार का। तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है अपनी बेटी को मतलब नहलाते हुए, और यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई हूँ और ये नहा चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पानी खेलती हैं, तो आज मैंने सुबह सुबह ही इनको नहला दिया था क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा खेलने लगी हैं। और फिर इनको कपड़े पहना दिए हैं। अब थोड़ा सा इनके क्रीम पाउडर लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये लगवाती नहीं है, थोड़ा बहुत लगा देती हूँ। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी बनती हैं और आप सभी को अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। और इनका जो छोटा सा कंघा था वो पता नहीं इन्होंने कहाँ डाल दिया है, नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम इससे ही बाल में कंघा कर देती हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा इनके रूखे और बेजान हैं, तो एकदम घुंघराले टाइप के हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होते होंगे, हल्के हल्के कर देती हूँ कंघा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भाग रही हैं, बार बार भागती रहती हैं क्योंकि तैयार होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको, तो कपड़े वगैरह पहन लेती हैं तो मतलब कंघा करवाने में और क्रीम पाउडर लगवाने में बहुत ज़्यादा रोती हैं ये। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इस टाइम गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 38-40 चल रहा है तापमान। और जो भी दोस्त हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और अपना कीमती टाइम देते हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल पे, और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त अपनी लाइफ में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, बस हमारी यही प्रार्थना है भगवान से। फिर यहाँ पर दोस्तों आप सभी को शाम के टाइम मिल रही हूँ, तो आज मैंने शाम में दाल बनाई है, अरहर और उसकी मसूर की, तो इसमें हमने जो अमियाँ होती हैं वो डाल दी हैं, अच्छी लगती हैं। तो दाल हमारी बन चुकी है, उसके बाद मैं सिंपल तड़का लगाऊंगी, फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अमियाँ पड़ी हैं, दाल कटी है तो फिर फ्राई दाल नहीं अच्छी लगेगी, तो यहाँ पर सिंपल तड़का ही लगाऊँगी। तो दोस्तों इधर मैं तड़का लगा रही हूँ और इधर हमने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, तो सिर्फ दाल चावल ही शाम को बनाऊंगी खाने में। और इसलिए दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है, तो मुझे भी खुशी होगी। और आप लोग भी हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आप सभी के लिए ढेर सारी दुआएं मांग सकूँ भगवान से। देखिए दोस्तों दाल हमारी अच्छे से बन गई है, तड़का भी लग गया है, बहुत ही टेस्टी दाल ये लगती है, तो आप लोग ज़रूर घर पे बनाकर देखिएगा। मतलब सिंपल दाल है, सिर्फ अमियाँ डालते हैं बनने के टाइम।
और सभी लोगों को पता होगा दाल में आमिया डाल के बनती हैं, और कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो अपनी अपनी पसंद है। और यहाँ पर चावल बन चुके हैं और यहाँ पर रख दिए, घूंघट करना पड़ा क्योंकि पापा जी सामने खड़े थे। उसके बाद मैं किचन को साफ कर लूँगी, गैस को अच्छे से पोंछ लूँगी, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आने लगी हैं गर्मियों में, तो फिर इसीलिए मैं गैस को साफ कर देती हूँ। और दोस्तों बहुत ही मेहनत से ब्लॉग एडिट करती हूँ, बनाती हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। ये मुझे लगता है कि मुझे 2 साल होने जा रहे हैं, मतलब 1 से 1.5 साल हो गया है। और मतलब दोस्तों वो सभी कहते हैं कि 1 साल में चैनल जहाँ तक है ग्रो कर जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, बट हमारा 1.5 साल हो गया है, लेकिन आप लोगों ने मुझे प्यार सपोर्ट नहीं दिया है, तो इसीलिए फिर मेरा चैनल 1.5 साल हो गया है और अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। और आप लोग अगर चाहें तो 1 महीने में हो सकता है, बट आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो, और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग मुझे नहीं सपोर्ट करते हो। और मैं यही आप सभी से कह रही हूँ बार बार कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और हर कोई, मतलब जो भी यूट्यूबर है, छोटी यूट्यूबर हैं और चाहे बड़े यूट्यूबर हैं, तो हर कोई मेहनत करता है इसीलिए कि वो भी कुछ कर सके अपनी लाइफ में। मेरा मतलब शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का, मैं मेहनत करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ और कुछ कर सकूँ। तो आप सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो फिर यहाँ पर शाम का टाइम है, सारा काम हो चुका था, चटनी बना ली है मैंने और बैंगन आलू की सब्ज़ी कट करके रख ली है, इधर प्याज और लहसुन ये भी छील के रख लिया है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी तैयार मतलब हो गई हैं सुबह के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी किचन को इस तरह से रखती हूँ, शाम का टाइम है रात को मतलब, तो रात को इसी तरह से अपनी किचन को रखती हूँ। और जहाँ तक है आप सभी लोग भी किचन को रात को साफ करके ही रखा करें, क्योंकि रात में किचन गंदी नहीं अच्छी होती है, एकदम क्लीन होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारी बेटी खेल रही है, मस्ती कर रही है, तो थोड़ा सा वीडियो मैंने बना लिया था इनका, और अब ये वीडियो नहीं बनवाती हैं बिल्कुल भी। और दोस्तों आई होप आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर ऑल यूट्यूब फैमिली।